जदों भी सिमरन करना है, अपने देखो तीसरे पातशाह ने लड़ीवार कथा सुनियो, तीसरे पातशाह ने बचन कहा जे सर्व व्यापक नूं बाहर देखना पहला अपने अंदर देखना पऊगा। जदों अंदर देखांगे, जदों अंदर प्रकाश हो गया तां बाहरला नजर आना है। जे तुसीं उहनूं पहला ही बाहर देखना शुरू करोगे, अंदरला हाले खुलिया नहीं कम, अंदर भी अखां ने मन ते बुद्ध रूप नेत्र अंदर ने, वह जब तक खुलते नहीं है तदों तक प्रकाश नहीं हुंदा। वह खुलण दी निशानी अभ्यासियां दी है। जदों अभ्यास आपां बहुत जुड़ के करते हैं जप जी साहब का, जां जाप साहब का, जां किसी भी बाणी का जुड़ जुड़ के अभ्यास करते हैं, जुड़न दे नाल फिर शुरू दे विच चमकारे जे पैंदे, लाइटां जीआं चमकण लग जांदियां ने, फिर कई बार खब्बा सज्जा देखते हैं। जदों एक बार मलेशिया गए तो उत्थे तीन चार सिंगर शाम नूं अपनी ड्यूटियां तो वेले होके इशनान करके कहिंदे सी, चारे जणे शाम नूं कीर्तन करदे सी घर च। 20 दिन 22 दिन उदों मैं रिहा सी उहनां समयां विच, 2004 दी गल। कहिंदे एक सिंह कहिंदा मेरियां अखां खुल्लियां सी, बाकी तीन जुड़े सी कीर्तन च। कहिंदे पौड़ियां वाले पासिओं गुरु नानक देव जी उतर के सामने खड़े सी, इन्ना प्रकाश होया, कहिंदे बस थोड़े चिर च ही दिखण हट गए, उन्हां नूं भी प्रकाश दिखिया। उधर लाइट जिहड़ी हुंदी आ फलैश नूं गांबा कहिंदे, फोटो नूं कहिंदे तूं गांबा खिंचिया, कहिंदे नहीं तां तूं गांबा खिंचिया, कहिंदे नहीं। एक दूजे नूं पुछणा फलैश जी वज्जी सी तूं फोटो खिंची आ, उह कहिंदा मैं तां नहीं खिंची। इस करके इह लाइट पैंदी शुरू दे विच, हौली हौली जदों इह जुड़ना शुरू हुंदा मन, हुण अंदर नूं जाणा ना, इह अंदरलियां लाइटां ने, फिर लाल, फिर थोड़ा जिहा हरा, फिर थोड़ा जिहा बैंगणी जिहा रंग, फिर आउंदे हुए सारे चक्करां दे रंग शुरू हो जांदे ने, फिर पीला जिहा रंग, फिर चिट्टा रंग। बस जदों इह खुलना शुरू हुंदा, जदों कंठ विच जा पाउंदा, जदों हिरदे च जा पाउंदा, तां अंतरजाम तां शुरू हो जांदी, उदों सारा कुछ दिखणा शुरू हो जांदा। भूत प्रेत ये वो फलाना टिमका जो तुरिया फिरदा इत्थे, वो सारा नजर आउण लग जांदा। हौली हौली फौजां नजर आउण लग जांदियां, हौली हौली संगत विच भी बैठे नजर आउण लग जांदे, अच्छा ये भी कथा सुनन आए ने, हाँ जी ये भी आए ने, की गल, उहनां नूं नहीं कथा चंगी लगदी। जे साडे सतगुर ने तां भगतां दे भी सतगुर ने, महापुरखां दे भी सतगुर ने, शहीद फौजां दे भी सतगुर तां इही ने, वह भी कथा सुनते हैं, वह भी संगत करते हैं, वह भी सिमरन करते हैं। सिमरन वेले समका बिल्कुल जिमें सप बीन ते मस्त हैं, मस्त हो जाते हैं, वाहेगुरु मंत्र ते ही सारे खुश हो जाते। इस करके आपां शुरू किया सी, तां मैं समझाया, एक भी वार कहा होया खाली नहीं जाना चाहिए, भी एवें वाहेगुरु कही जाना, वाहेगुरु नूं कन्नां नाल सुनना ते नाल नाल अर्थ की विचार करनी है, ते कौन आ उह कित्थे रहिंदा इह वी ध्यान देना, भी मेरे अंदर भी वह बैठे आप ही, जे मेरे ना अंदर होण तां इह डैड बॉडी है, जद मेरे अंदर बैठे ने तां मैं उहनां नूं अंदर आवाज़ मारदा, जदों मेरे वह बाहर व्यापक भी ने तां भी मैं आवाज़ मारदा। और मैं बड़े विराग दी इह जिहड़ी हैगी आ, जिहड़े महापुरख नूं तां कहिंदे तरज बड़ी सोहणी तेरी, मैं कहा हाँ जी वह तरज ही कहिंदे ने, इह मैं है ही विराग वाली है, जिहड़ा भी सुन लैंदा वह कहिंदा भी बड़ा आनंद आउंदा। आपां अखीर ते जाके सिमरन करदे हां, पर कोई महापुरख कहिण लगे विच भी थोड़ा जिहा कर दिया करो, क्योंकि इह ज़्यादा पसंद है सारिआं नूं, उपरलिआं नूं भी थल्ले वालिआं नूं भी, सारिआं नूं इह पसंद है कि वाहेगुरू का अभ्यास तुसीं संगत नूं फिर टिकियां होईआं नूं। हुण आपां नूं सतगुरु ने कहा बचन, वाहो वाहो करत्या रहण सुख विहाए, वाहो वाहो करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए, वाहे गुरु करद्या हे मेरी माता पिता रूप संत जनों, हे मेरी माए। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने सारे ब्रह्म ज्ञानियां महापुरखां नूं कि अकाल पुरख जी मैनू सदा ही, क्योंकि दोनों ही पक्ष ने, नमो लोक माता, हर आपे माता आपे पिता, इत्थे दोनों ही अक्षर वरत ले जांदे ने परमेश्वर लई भी, माए माए संत जिन्हां नूं भी कहा। इस करके सतगुरु कहिंदे वाहो वाहो करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए। साध संगत अर्थां दा जरूर नाल ध्यान रख्या करो, दो प्रकार की भगती है,
जेड़ी वैसे ही सुनना है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख सुनी जा, निरभाओ निरवैर अकाल मूर्त, जपजी साहब भी सारा सुन लिया, जाप साहब भी सुन लिया, ये जेड़ा सुनना बिना अर्थां तो, अर्थ भावें आउंदे नहीं पर सुनी जाना, इहदे नाल सरगुण सरूप की प्राप्ति होंदी, ये सरगुण की भगती आ जाती। जेड़ा अर्थां दे विचार समेत पाठ करना है इहदे नाल निर्गुण के दर्शन हो जाते। मैं तो देखो मैनू नहीं होंदे, मैनू तो संतां की कथा सुनी, महापुरख बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा दी उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि पटियाले भी एक सिंह सी उन्हें बड़ा गुस्सा आना, उत्थे कोई बजुर्ग सीगे वो बड़े अभ्यासी सी ते वो उन्होंने महाराज की कृपा सी दर्शन हो जाते। वो सिंह कहन लग्या बाबा जी मैनू गुस्सा बहुत आउंदा, महाराज नूं पुछियो मेरा गुस्सा किवें हटे। बजुर्ग कहिंदे काम करो लोभ मोह हंकार कट्ठे ही चले जाणगे, मैं पुछ के दस दूं। महाराज नूं पुछिया जुगती, कहिंदे भई उहनां नूं गुरसिखां नूं कहो गुरमुखां नूं, सतगुरु बहुत प्यार नाल बोलदे, आ गुरमुख ही कहिंदे सारिआं नूं, उहनां गुरमुखां नूं कहो सने केसी इशनान करके सुचे वस्त्र पहन के कड़ा प्रसाद बना के अरदास करके सहज पाठ आरंभ करन, पांच सहज पाठ एक तां करन। महाराज कह रहे एक पाठ जपजी साहब दा अर्थां समेत करना रोज, कहिंदे इक्को पाठ नाल ही कृपा हो जाणी। जपजी साहब दा एक पाठ अर्थां समेत करो, तुसीं कहिंदे मन नहीं टिकदा, क्योंकि आपां ना तां पाठ सुणदे हां ना अर्थ की विचार ही करते। वैसे जे पाठ नूं सुनन लग जाओ ना तो अर्थां की विचार आपे ही हो जाती है। इस करके जदों भी तुसीं गुरमंत्र का सिवन करना है, जदों आपां लगातार किता वाहिगुरु 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 जां सिमन भी किया तां ध्यान जरूर थोड़ा चले जाना पासे, आपां उदों की करना ये अर्थां नूं सामने रख लेना। वाहे आश्चर्य गो अज्ञान दा नेरा ਉਹਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲੈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੋ ਸਲੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਧਰਨਾ। ध्यान धरो तेह को मन में जिह को अमितोज सभै जग छायो, ध्यान करो वाह अंदर भी है सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत, ये सारी अष्टपति देखो पढ़ के, धरन माहे आकाश पाताल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल, सर्व की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई ना है। इस करके आपां फिर एक बार अर्थां समेत वाहिगुरु विच अंदरले सरूप विच ते बाहरले सरूप, ये जदों कथा लड़ी बार आउंदी है उदों देखियो उहदे विच इह चीज़ आउणी है, एक आउणा रूप एक आउणा सरूप, एक हुंदा रूप एक सरूप है। खालसा मेरो रूप है खास, एक तां रूप है आ खालसा सारा, इह रूप है एक सरूप है, मन तों जोत उह सरूप है, गुरु ग्रंथ साहिब दा की है स्वरूप, पर उत्थे कहिंदे खालसा मेरो रूप, दसां स्वरूपां ने ओह रूप धारण कीता, इह स्वरूप है इह दसां गुरां दा स्वरूप है। अपना हुण दो चीज़ां ने, आ बाहरला रूप है, रूप जात जोबन इह सारे खत्म होण वाली चीज़ां, अपना रूप पहला छोटे जिहे हुंदे निक्के जिहे हुंदे सी, फिर वड्डे हो गए, फिर दाढ़ियां आ गईयां कालियां, फिर चिट्टियां हो गईयां, फिर रूप च झुरड़ियां पै गईयां, फिर चले गए, पर स्वरूप उवें ही रहिंदा। तुहानूं कहा सी जिउंदे जी अपना स्वरूप प्रगट कर लो अंदरों, तुसीं रूप दे उत्ते शीशियां मूहरे खड़खड़ ज्यों क्रीमां लाउणियां शुरू कीतियां, ज्यों पाउडर मलने शुरू कीते, ज्यों तुसीं रूप दे उत्ते जोर देई जांदे हो वी मैं सोहणा बण जावां, ओह तुसीं नहीं सोहणे बण सकदे, सही सुंदर सोहणे साध संग जिन बहिणे, सोहणा ओह हुंदा जिन्हां दे अंदर प्रकाश हो जांदा। बाबा जी ने तो बाबा सोहण सिंह दे दर्शन कीते ने, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਐਡਾ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗਾ ਸੁਰਖ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, 1975 'ਚ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਨੌ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ
थोड़ा जिहा पाठ करन वास्ते ठहरे होए। हजूर साहब घोड़ियां दे दर्द होवे पेट च, बाबा जी ने उत्थों सिंह भेजिया, कहिंदे हजूर साहब घोड़ियां दे पेट च दर्द हो रहा, मसाला दे के भेजिया सिंह नूं, नाले मसाला लिखवा के ओ सिंह आया, उन्हें घोड़िया नूं मसाला दिता तां उन्हां घोड़ियां दा पेट दर्द हटिया। इस करके साध संगत महापुरखां ने ऐसे बहुत कर्म किए, बख्शिशां कीतियां, की उन्हां दीआं गल्लां दसीए। चलदे जंग विच 1971 च चलदे जंग विच पाकिस्तान नाल जंग लग्या, बाबा जी अपनी बग्घी लै के गुड़ ते छोले भुज्जे हुए लै के चलदियां गोलियां च फौजियां नूं जा जा वंडदे सी। कहिंदे बाबा जी तुसीं ना जाओ गोली चलदी, कहिंदे कोई गल नहीं, महाराज सच्चे पातशाह जिहनूं रखणा रख ही लैणा। तो इस करके नाम जपण दे नाल साध संगत ऐसी कृपा हुंदी है। हुण आपां सारे जणे इत्थे बैठे हैं, की कहना चार पांच हथ खड़े कर देण भी मैं 8 घंटे वाला, 4 घंटे वाला, जां 12 घंटे वाला, का स्वास स्वास जाप वाला कानू कर सकदे। गृहस्थी बंदे हैं, कामाकारां दे विचों इन्नी वेल मिलदा है, कोई ऐसा होगा जिहड़ा 24 घंटे ही अभ्यासी है। इस करके आपां संगत विच इन्ना लाहा हुंदा, कल भी तुहानूं कहा सी जिहड़े दसम दे उत्ते बड़ा रौला पाउंदे ने, इह बाणी नहीं, इह बाणी नहीं। परसों कथा करदिआं उत्थे इह गल फुर गई वी जिहड़ी महाराज ने 75 वार फतेह बुलाई पंजां प्यारिआं नूं अमृत छकाउण वेले, फतेह गुरु ग्रंथ साहिब लिखी कितें? ना दसम ग्रंथ विच फतेह लिखी होणी, ना सर्वलोक च लिखी होणी है। तो इस करके कल नूं कहणगे लिखी नहीं कितें फतेह, इह वी तां दसवें पातशाह दे मुखार बिंद दी बाणी है। मैं कहा फिर जे तुसीं ओह बाणी नहीं पढ़दे तां फतेह वी बुलाउणों हट जाओ, कहनूं बुलाउणे, इह वी दसवें पातशाह दी बाणी ही होई फिर। इस करके इन्हां गल्लां दा आपां सारी संगत ने ख्याल रखना। वाहेगुरू गुरमंत्र है, दो वारी फतेह दे विच आपां वाहेगुरू कहने, शौक रखो अपने मन दे अंदर। देखो तुसीं खराबी कसूर तुहाडा, कहिंदे जिहड़ा अपना ही भांडा खराब होवे ना दूजे नूं की दोष दईए। इक तां रह रास संपूर्ण पढ़नी है, ध्यान रखना हमेशा। एक क्योंकि किसी विद्वान चलो चढ़ाई कर गए, हुण ज्ञानी हरबंस सिंह जी पटियाले वाले टीका लिखा, इह सारिआं तों विद्वान और अच्छे गुरमुख प्यारे सी। 5 बाणियां सवेरे उठ के पढ़नियां, कहिंदे सब तों पहलां उठ के मैं 2 बजे निरंकार अकाल पुरख नूं हाजर नाजर जाण के फतेह बुलाउंदा, फिर इशनान करदा, फिर मैं 5 बाणियां पढ़दा, कहने मैं अकाल उस्तत रोज पढ़दा। ऐसे विद्वान ज्ञानी सी ओह। मैनू उन्होंने 4 साल मैं उन्होंने घर के सामने होती मरदान गुरद्वारे च कथा की, 4 साल ही वह कथा सुन आउंदे रहे, ते मेरे नाल रोज बैठ के घंटा घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे विचार हुंदी। ये कहते ने साढ़े को एक बंदा बह गया आके, कहना मैं भी सुना विचार, अद्धे घंटे बाद कहता अच्छा जी चलदा मैं की होया, कहना मेरे तो सिर तो लंघ गई सारी गल्लां, मैं तो समझ लगी, मैं तो बहिंदा ही क्यों वे ज्ञानियों के कोले, या तेनू समझ नहीं लगती। ज्ञानी जी ने मैनू उदों कहा सी, कहना ज्ञानी जिहड़ा आह रह रास विचों दोहरे कटते ना सारे, ये दसम की होंद नू खत्म करन वास्ते ही तरीका चल रहा कोई। ज्ञानी जी ने दसम के हक विच भी पुस्तक लिखी सी, जो विरोधियों ने पुस्तक लिखी सी, वो फिर विरोधी मेन बंदा ज्ञानी जी ने मिलन गया, कहना यार तुसी तां ना लिखो। ज्ञानी जी कहने तुसी भी हट जाओ, तुसी क्यों दसदे फिर विरोध क्यों लिखदे हो। इस करके साध संगत आओ सारी संगत, कल भी मैं आप जी ने बेनती की सी भी जिहड़ी सृष्टि के रचण वेले एक ताकत पैदा हुई सी, जिन्हें सारी सृष्टि नूं ब्रह्मंडा नूं सब कुछ नूं एक मर्यादा विच बन्ह के रखिया, भै विच सूरज, भै विच चंद, कोह करोड़ी चलत ना अंत, भै विच चलै लख दरियाओ, जिन्ना कुछ भी भै दे विच है, जिन्ना कुछ भी बन्निया होया सारा कुछ, ओह ताकत दा नाम है वाहेगुरु। निरंकार जी ने सानू दिता वाहेगुरु, ये ताकत है ओह जिहड़ी जोड़ के रखदी है। तुसीं कहने हुण खुशकी पैदा होगी सारे सिखां च, वो थोड़े च खुशकी नहीं सी होनी, जे तुसीं 4-4 घंटे दे अभ्यासी हुंदे ना वाहेगुरु मंत्र दे, घरां विच प्यार पैदा हो जाए।